तो प्यारे भाइयों, ये प्रोग्राम कारगिल की लड़ाई की घटना, वीर अशोक कुमार का बलिदान आपके सामने, आपके लिए लाए हैं अमर कैसेट इंडस्ट्रीज हापुड़ वाले, जिसके गायक महाशय नंदराम आर्य आज ढोलक पर साथ दे रहे हैं, रोहतास कुमार आर्य, खंजरी पर होमेंद्र कुमार आर्य। तो सुनिए ये कारगिल संग्राम की घटना। पाकिस्तान ने जो देश के साथ गद्दारी की और ये यार बन बन करके डंक मारता रहा, देश हमारा भारत पहले से ही विख्यात है, इसमें बड़े बड़े वीरों ने जन्म लिया, आन बान शान पर मर मिटने वाले देश में हुए, पीछे हटने वाले नहीं, इसके त्याग और तप को देख करके विदेशी थर्राते हैं। तो देखिए ये घटना जो हुई, ये पाकिस्तान की चालाकी गद्दारी यारी में खुआरी। जिस वक्त कारगिल में मोर्चे लगे तो उस वक्त जो नौजवान घर पर छुट्टियों पर गए हुए थे, सबको खबर मिल चुकी कि पाकिस्तान ने हमला किया। तो देखिए सारे के सारे तैयारी करके और तमाम किस तरह से कहां कहां से वीर ये चल दिए युद्ध के लिए। बला फौजी कर श्रृंगार चले थे रण का, आज खोज मिटा दें भारत से रे दुश्मन का। ओ श्रृंगार चले थे रण का, खोज मिटा दें भारत से दुश्मन का। कुछ यूपी पंजाब वीर हरियाणा, कुछ चले हिमाचल गुजराती मर्दाना। कुछ चले हिमाचल गुजराती मर्दाना, चले राजस्थानी रखार काढ़ने मन का, आज खोज मिटा दे भारत से दुश्मन। ओ होती करे श्रृंगार चले थिर रंग का, आज खोज मिटा दे भारत से दुश्मन। देखिए किस तरह से अब तो विशेष से फुंकारते जा रहे हैं, और किस तरह के चले मद्रासी, देखिए जगह जगह से चले बंगाली और वीर मद्रासी, कुछ केरल और कुछ चले बिहार के वासी। कुछ केरल कुछ चले बिहार के वासी,
चला वीर सजा गोया दीप दमन का, आज खोज मिटा दे भारत से दुश्मन। खोजी करे श्रृंगार चले श्रवण का, खोज मिटा दे भारत से दुश्मन का। आए वीर उड़ीसा के पहन बसंती चोला, मध्य प्रदेशी बन रहे रे बम्ब का गोला। आए वीर उड़ीसा के पहने बसंती चोला, मध्य प्रदेशी बन रहे रे बम्ब का गोला। सोला सा बन रहा क्रोध मरमन का, आज खोज मिटा दे भारत से दुश्मन। मन में किस तरह से सोचते जा रहे हैं, आज तन बदन में आग लगी हुई है गद्दारी देख करके पाकिस्तान की, और किस तरह सोला सा बन रहा क्रोध में मन का। भला चले असमिया और त्रिपुरा वाले, चल दिल्ली से कश्मीर में डेरे डाले। चले असमिया और त्रिपुरा वाले, चल दिल्ली से कश्मीर में डेरे डाले। अरे गाले गीत विजयपाल शौक बचपन का, आज खोज मिटा दे भारत से दुश्मन। देखिए सभी प्रांतों से किस तरह से अपने मन में अरमान ले लेकर के और जा रहे हैं विशेष से फुंकारते। एक वीर जो छुट्टी पर आया था, देखिए किस तरह से, वैसे तो बड़े बड़े वीरों ने इस युद्ध में भाग लिया और किस तरह से कमाल करके दिखाया, लेकिन एक वीर जब छुट्टी पर घर आया हुआ था और किस तरह से अपनी माता से कह रहा था कि चिट्ठी आई है माँ, मुझे जाना पड़ेगा, इजाजत दे दे खुशी से, और जोश भर दे मेरे शरीर में बिजली सी दौड़ा दे। तो देखिए वो कमाल की माता किस तरह अपने बेटे में जोश भर रही थी और क्या कमाल की बात कह रही थी, क्या लड़का कह रहा था, क्या माँ जवाब दे रही थी, दोनों के प्रश्न उत्तर चल रहे थे। किस तरह चिट्ठी आई, कहने लगा माँ चिट्ठी आई, हुई है लड़ाई कारगिल में, मैंने जाना होगा। माँ जवाब दे रही है कि देश धर्म जाति कर बेटा सर से फर्ज चुकाना होगा। चिट्ठी आई कारगिल में, मैंने जाना हो,
साफ साफ जवाब दे रही है, देश धर्म जाति का बेटा सर से फर्ज चुकाना हो कि मेरा फर्ज तने याद दिलाया, जोश मेरी काया में छाया। मेरा फर्ज तने याद दिलाया, जोश मेरी काया में छाया। मेरा फर्ज तने याद दिलाया, जोश मेरी काया में छाया। जिस दिन के खातिर तुझे जाया, जिस दिन के खातिर सुत जाया, फौज के अंदर नाम लिखाया, फौज के अंदर नाम लिखाया। माँ तेरा री उपदेश यो भाया, माँ तेरा उपदेश ये भाया, के मुझको कहन बजाना होगा। बोला दुश्मन के दुसाहस का उसे पूरा मजा चखाना होगा। चिट्ठी आई कारगिल में मैंने जाना होगा, जोश भर रही। लेकिन बेटा एक बात कह रहा, ऐसा उपदेश दे दे जैसा जीजाबाई ने शिवाजी को दिया था। बता रहा के जीजाबाई बनकर माई, दे दे ज्ञान शिवाजी वाला। जीजाबाई बनकर माई, दे दे ज्ञान शिवाजी वाला। जीजाबाई बनके माई, दे दे ज्ञान शिवाजी वाला। अरे लेकिन माता साथ साथ कह रही के कदम हटिए मत ना पीछे, पर जावे चाहे मौत से पाला। कदम हटिए मत ना पीछे, पर जावे चाहे मौत से पाला, के पर जावे चाहे मौत से पाला। करा है पाक ने संग घोटाला, करा है पाक ने संग घोटाला, उसको सबक सिखाना होगा। अरे मेरे तन का दूध पिया तो उसका कहन पुक चुकाना होगा। मेरे तन का दूध पिया तो इसका कर्ज चुकाना होगा। भर रही थी वो माता के जाने को तैयार में माता, कुछ गुर की बात बताइए तू। जाने को तैयार में माता, गुर की बात बताइए तू। जाने को तैयार में माता, गुर की बात बताइए तू। बेशक काया छलनी हो जाना, घाव पीठ पे खाइए तू। किस तरह से कह रही माता के बेशक काया छलनी हो जा, ना घाव पीठ पर खाइए तू, ना घाव पीठ पर ही खाइए तू।
चैन से घर पे रही है तू माँ। के चैन से घर पे रही है तू नहीं तेरे शीस उल्हाना होगा। चैन से घर पे रही है तू नहीं तेरे शीस उल्हाना होगा। अरे तिरंगा झंडा ऊंचा करके सरहद पर फहराना होगा। चिट्ठी आई कारगिल में मैंने जाना हो धर्म जाति का बेटे सर से पर चुकाना होगा। चिट्ठी आई चरण मात के चाला बांध बिस्तरा कंधे डाला। छू के चरण मात के चाला अर बांध बिस्तरा कंधे डाला। मात बांध बिस्तरा कंधे डाला रे माँ की आंख में खुशी के आंसू मदद करेगा बंसी वाला। के माँ की आंख में खुशी के आंसू मदद करेगा बंसी वाला। के मदद करेगा बंसी वाला। अरे नंद राम गुरु नंद राम गुरु राग निराला। केसर में साज बजाना होगा। अरे विजय पालिए छंद दू चश्मी प्रेम भर के गाना होगा। चिट्ठी आई देव धर्म जाति का बेटे सर से पर चुकाना होगा। चिट्ठी आई इस तरह ऐसी ऐसी माताओं के उपदेश थे जो जोश भर गया वीरों में और किस तरह से युद्ध करने के लिए चल दी। मन में बड़े बड़े कमाल की बात सोचते जा रहे हैं और देखिए किस तरह आगे रागनी में लिखा है। अब तो जाकर के वीर ये डट गए कारगिल में। बला छिड़ गया रे कारगिल में भारी जंग तो पोसे गोले छूट रहे।